हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीपाल है और ओसीपी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे ओरेकल का स्टोरेज स्ट्रक्चर, कैसे डाटा हमारा स्टोर होता है डाटाबेस के अंदर, लॉजिकली कौन सी फाइल होती है और फिजिकली कौन सी फाइल होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम इन ओसीपी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ओसीपी टेक्नोलॉजी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जो कि डाटाबेस ओरेकल डाटाबेस की ट्रेनिंग देती है आपको। दोस्तों, इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हम आपको देते हैं। फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारे कुछ लिंक्स हैं उनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो। जैसे कि आप हमसे यूट्यूब पर कनेक्ट हो सकते हो। यूट्यूब का मेरा लिंक है youtube.com/ocptechno। इस लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हो मेरे लिंक के ऊपर यूट्यूब के, और वहाँ जाकर आप सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन होता है, आप उस पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, ताकि फ्यूचर में जितनी भी मैं नई वीडियोस अपडेट करता हूँ वो सारी आपके मेल बॉक्स में आ सके। दोस्तों, ठीक इसी तरह से मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी अरेंज किया है अपने सारे वीडियोज़ के, आप वहाँ पर भी जाकर इस लिंक को क्लिक करके आप जा सकते हो उस लिंक मेरे फेसबुक पेज पर और वीडियो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, मेरी वेबसाइट है ocptechnology.wordpress.com, आप इस पे जाकर भी अपने ओरेकल डाटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दोस्तों, इस शॉर्ट मैसेज के बाद हम चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डाटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने सीखना है कि डाटाबेस का स्टोरेज स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है और कैसे हमारा डाटा डाटाबेस में स्टोर होता है। दोस्तों, उसके लिए हमारा एक फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि इस तरह से होता है। सबसे पहले हमारा जो डाटाबेस होता है, डाटाबेस के अंदर कुछ हमारी टेबल स्पेसेस होते हैं। टेबल स्पेसेस के अंदर हमारा सारा डाटा जाके लॉजिकली स्टोर होता है, राइट। लॉजिकली डाटा टेबल स्पेस के अंदर जाता है और फिजिकली डाटा हमारा डाटा फाइल्स के अंदर जाता है। डाटा फाइल्स हमारी फिजिकली होती है। उसके बाद सेगमेंट्स होते हैं और एक्सटेंट्स होते हैं। आफ्टर दैट कुछ ब्लॉक्स होते हैं, इन ब्लॉक्स के ऊपर हमारा जाके डाटा स्टोर हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। डाटा फाइल्स हमारे फिजिकल के पार्ट्स हैं एंड ब्लॉक्स हमारे फिजिकल का पार्ट्स हैं। दोस्तों, हमारा जो डाटा जाता है फिजिकली वो डाटा फाइल्स में जाता है और ब्लॉक्स में जाता है, बाकी सब हमारा लॉजिकल पार्ट है ये सारा। और हमारा जो सेगमेंट और एक्सटेंट है, 8 KB का हमारा एक ब्लॉक होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ब्लॉक होता है वो 8 KB का होता है और 5 ब्लॉक मिलके एक सेगमेंट्स तैयार करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एनाटॉमी ऑफ डाटाबेस ब्लॉक हेडर। ब्लॉक के अंदर जब डाटा जाके इंसर्ट होता है वो किस तरह से डाटा जाके स्टोर होता है, देखिए। सपोज़ करिए आपका एक ब्लॉक है, राइट। यहाँ पर टॉप पे ब्लॉक में हमारा एक ब्लॉक हेडर होता है जिसके अंदर हमारी डाटाबेस की एंट्री की, ब्लॉक हेडर के अंदर हमारी एंट्रीज होती हैं कि इस ब्लॉक के अंदर कौन कौन सा डाटा एग्जिस्ट करता है। फ्री स्पेस बीच में हमारा ये फ्री स्पेस होता है और नीचे हमारा रॉ डाटा होता है जो कि हमने डाटा स्टोर कराया होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा रॉ डाटा होता है जो इस जो डाटा आपने टेबल में बनाया है, क्रिएट किया है, वो डाटा सारा हमारा ब्लॉक्स में जाके स्टोर होता है, ये वही डाटा है। बीच में ये जो फ्री स्पेस है ये दिखा रहा है कि हमारा ये दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, ब्लॉक हेडर और रॉ डाटा को। दोस्तों, जो हेडर होता है हमारे ब्लॉक का वो ऊपर से नीचे को ग्रो कर रहा है, जैसे आपको ये वाला साइन दिखाई दे रहा होगा ग्रोथ वाला, ये ऊपर से नीचे को ग्रो कर रहा है और जो हमारा रॉ डाटा होता है नीचे से ऊपर को ग्रो करता है। ओके, तो जो हमारा ब्लॉक होता है ब्लॉक हमारा नीचे से ऊपर को ग्रो करता है और ब्लॉक का जो हेडर होता है वो ऊपर से नीचे को ग्रो करता है। जो डाटाबेस की ग्रोथ होती है वो नीचे से ऊपर और ब्लॉक हेडर की जो ग्रोथ होती है वो ऊपर से नीचे। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद देखिए वो बता रहे हैं, द ओरेकल डाटाबेस स्टोर्स डाटा लॉजिकली इन टेबल स्पेस एंड फिजिकली इन डाटा फाइल्स। देखिए, टेबल स्पेस एंड डाटा फाइल्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली जो टेबल स्पेसेस होते हैं कैन बिलोंग टू ओनली वन डाटाबेस,
ओके, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डाटा फाइल्स, कैन बिलोंग टू ओनली वन डाटाबेस, यानी कि वो एक ही डाटाबेस से बिलोंग रहते हैं, एक ही डाटाबेस से संबंध रखते हैं, एंड कंसिस्ट एक या और एक से ज़्यादा डाटा फाइल्स वो रख सकते हैं अपने अंदर, आर फर्दर डिवाइडेड इंटू लॉजिकल यूनिट ऑफ स्टोरेज, आगे इसको इसकी यूनिट को स्टोरेज यूनिट को डिवाइड किया गया लॉजिकली पार्ट में, जो मैंने अभी अभी पीछे आपको बताया था, आर ए रिपोजिटरी फॉर स्कीमा ऑब्जेक्ट डाटा, यहाँ पर एक रिपोजिटरी होती है, किसके लिए होती है, स्कीमा के, इसमें स्कीमा ऑब्जेक्ट डाटा के लिए एक रिपोजिटरी क्रिएट होती है, डाटा फाइल्स, डाटा फाइल्स क्या होती है, डाटा फाइल्स कैन बिलोंग टू ओनली वन टेबल स्पेस एंड वन डाटा बेस, जो एक डाटा फाइल होती है वो एक ही टेबल स्पेस से संबंध रखती है और एक ही डाटा बेस से संबंध रखती है, उसका किसी और दूसरे डाटा बेस या टेबल स्पेस से कोई संबंध नहीं होता है, आर द अंडरलाइनिंग फाइल दैट आर मेक अप ए टेबल स्पेस, यहाँ पर इन सब के बारे को लेके एक टेबल स्पेस बनता है जो कि लॉजिकली होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक डाटाबेस है, डाटाबेस के अंदर टेबल स्पेस है, और एक टेबल स्पेस के पास मल्टीपल डाटा फाइल्स हो सकती है। ओके दोस्तों, फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट फ्यूचर में मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वो सारी आपके मेल बॉक्स में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you so much.